बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत और कमाल दे रखा है कि ये तरक्की करता है, और तरक्की करने की वजह ये है कि ये हैवानात और मलाइका के दरमियान की मखलूक है। हैवान इससे पस्त मखलूक है, मलाइका इससे बुलंद मखलूक है, ये उन दोनों के दरमियान में है। गोया के बहीमियत और मलकूतियत के संगम पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। इंसान के अंदर भी बहीमियत है, इंसान के अंदर भी हैवानियत है जो उसको गुनाह की तरफ लेकर जाती है। इंसान के अंदर भी मलकूतियत है, इसमें कुदूसियत है जो उसको नेकी और अल्लाह की याद की तरफ लेकर जाती है। इन दोनों के दरमियान इंसान है, तो हैवानियत उसको पस्ती की तरफ खींचती है, मलकूतियत उसको बुलंदी की तरफ खींचती है। ये दोनों के दरमियान में है। अगर ये हैवानियत और बहीमियत की तरफ लौटता है तो गुनाह के अंदर लथपथ होकर पस्त होने लगता है। अगर कुदूसियत की तरफ बढ़ता है तो ये बुलंदी इख्तियार करके तकवे के रास्ते की तरफ बढ़ता है, यहाँ तक कि तकवे के रास्ते पर चल के वो अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब को हासिल कर लेता है। अल्लाहु अकबर। तो गोया कि ये दो चीज़ें हैं, दो मंजिलें हैं, एक पस्त मंजिल है, एक बुलंद मंजिल है। इन दोनों के दरमियान इंसान है। इंसान जब पस्त मंजिल की गर्दन पे कदम रख के कुदूसियत की मंजिल को इख्तियार करता है तो इंसान तरक्की करता है, और इसी तरक्की को तकवा कहते हैं। इसी को तकवा कहते हैं कि इंसान अपने गुनाहों के जितने भी तकाजे हैं उनकी गर्दन पे कदम रखता है, उन ख्वाहिशात को तोड़ता है, उन ख्वाहिशात को तोड़कर ये मलकूतियत का रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तरक्की अता फरमा देते हैं। तरक्की अता करने का मतलब यह है कि उसको अपने मुत्तकी बंदों में शामिल कर देते हैं।